चंडीगढ़ आजकल अपनी खूबसूरती और टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस रूप को बदलने में वहां के विधायक सुरेश टांक ने अपना खासा योगदान दिया। ढाई साल के कार्यकाल में सुरेश टांक ने किशनगढ़ में टूरिज्म को बढ़ावा दिया और टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए कई काम किए। जरा सुनिए। राजस्थान का किशनगढ़, जो कि फेमस है ग्रेनाइट पत्थर के लिए, और किशनगढ़ के लिए कहा जाता है कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन ये खूबसूरती डेवलप की जाती है, विकास किया जाता है, और जब विकास होता है तभी चीज़ें जो है वो और खूबसूरत निकल कर आती हैं। और ऐसा ही कुछ किया है सुरेश टांक जी, जो कि विधायक हैं किशनगढ़ से, हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मैम, किशनगढ़ वास्तव में अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है। बहुत पहले भी ये संत नागरीदास नगरी के रूप में विख्यात रहा है, और संत नागरीदास यहाँ से हुए थे, और उनकी एक बनीठनी शैली है जो पूरे विश्व में विख्यात है। अभी एक पैनोरमा भी उनका बना है, सरकार ने 3 करोड़ रुपए लगा के एक पैनोरमा बनाया है, और उसका रास्ता भी बहुत जल्दी से जल्दी बनने वाला है। एक पुलिया टूटा हुआ है तो वो बनने वाला। मैं चूँकि लगातार मुझे मौका मिला है किशनगढ़ की सेवा करने का, वहाँ की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं पहले वहाँ म्युनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन रहा हूँ, सभापति रहा हूँ, और उसके बाद मैं मार्बल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा, और मैं 9 साल तक मार्बल एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा। वो इंडस्ट्री सैलरी बेस्ड इंडस्ट्री है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने एक विज़न लिया था, और वो विज़न ये था कि मैं इस इंडस्ट्री को डस्टलेस करूँगा, और उसमें मैं सफल भी रहा। मुझे मेरे व्यापारियों ने बड़ा सहयोग किया, मेरी मार्बल एसोसिएशन, और वहाँ आर के मार्बल परिवार का मुझ पर बड़ा आशीर्वाद रहा। तो किशनगढ़ प्रदेश का वो उभरता हुआ जिला है, जो खूबसूरती के लिए भी, टूरिज्म के लिए भी आजकल जाना जाने लगे। लगातार कार्य भी करते रहेंगे, और साथ ही साथ ये भी चाहेंगे कि जनता का प्यार भी उनको मिलता रहे। कैमरामैन संजय के साथ मीखा कौशिक, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।